हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विवाह मी डॉट कॉम में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, चलिए आज नए प्रकार का डोरमेट बनाते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए हमने इतना बड़ा डोरमेट बना लिया है, ये देखिए, ये हमने 15 फंदों का बनाया है। आप जितना चाहे बड़ा छोटा बना सकते हैं। तो ये हमने बराबर के यहाँ पर फंदे बुन लिए हैं, ये देखिए, और यहाँ पर येलो से एक बुन लिया है। उसके बाद इधर 7 फंदे इस साइड, 7 फंदे इस साइड हमने बना लिए हैं, और यहाँ पे एक फंदा येलो से बना लिया है। इस प्रकार से एक फंदा इस साइड से, एक फंदा इस साइड से बढ़ाते हुए हम ऊपर की तरफ आ गए हैं। यहाँ से हमने स्टार्टिंग की है, यहाँ पे 4 फंदे तक की हमने इसको बनाया है। 4 इधर 4 इधर और 1 बीच में ब्लैक लगा लिया है, और ये इधर ब्लैक का भी एक एक फंदा हमने बढ़ा घटा लिया है। उसके बाद चलिए इसके आगे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, जितना हमने बनाया था उसके आगे, सबसे पहले अब यहाँ से हम इसको रो को आगे कर लेंगे धागे को, और यहाँ से ये देखिए इस प्रकार से यहाँ से बनाएंगे, ब्लैक को ब्लैक से और येलो को येलो से, क्योंकि ये सीधी साइड है। तो यहाँ पे येलो को येलो से बनाएंगे। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने सेकंड वीडियो में, पिछली वीडियो में दे दिया है। तो अगर आपको देखना है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, और चैनल पे जाके चेकआउट कर लीजिए, आपको मिल जाएगा इसके आगे का वीडियो। तो ये देखिए, हम यहाँ पे ब्लैक को ब्लैक से बनाएंगे, ब्लैक को ब्लैक से बनाया और येलो को येलो से। ये हमने बना लिया, और ये येलो पीछे हो जाएगा और ब्लैक आगे आ जाएगा। ये देखिए, हमारी एक लाइन बनके कंप्लीट हो गई। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इस फंदे को आगे करेंगे और यहाँ से इस ब्लैक को ब्लैक से बुनेंगे, और सॉरी, यहाँ पे A1 ब्लैक को, अब इस साइड से एक फंदा हम येलो का बना लेंगे। ये देखिए, येलो का बनाया। उसके बाद अब इसमें हम क्या करेंगे, इस धागे को, इसमें ये जो धागा होता है इसके अंदर हम इसके अंदर ऐसे रख के ऐसे ऐसे लपेट लेंगे, जिससे ये हमारा धागा यहाँ से निकलेगा नहीं, आसानी से इसके अंदर चला जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। तो फ्रेंड्स, कम से कम आप लोग मेरी वीडियो को 2 मिनट ज़रूर देखा करें। तो ये देखिए, यहाँ पे ब्लैक को ब्लैक से बनाएंगे और येलो को इस साइड से, यहाँ से येलो को ऐसे इसमें ब्लैक में दबाते हुए इस प्रकार से आगे बढ़ाएंगे। अब येलो में एक फंदा ब्लैक से लेंगे और बाकी ब्लैक येलो से बनाएंगे। ये हमारा बन गया इतना डोरमेट। ये देखिए, एक एक फंदा बढ़ रहा है एक एक इस साइड। अब इसी तरह से हम यहाँ पे अब ये पूरी रो बना लेते हैं, उसके बाद दिखाते हैं। अब यहाँ पे हमने जिस तरह से यहाँ पे एक एक फंदा इस साइड बढ़ाया था, अब ये वाला देखिए यहाँ पे, अब ये येलो वाला एक ब्लैक से बनाएंगे और बाकी येलो येलो से बनाएंगे। और एक ब्लैक इसमें से येलो बनाएंगे और बाकी ब्लैक को ब्लैक ही बनाएंगे।
ये हमारा चौकोर शेप का बहुत सुंदर सा डोरमेट बनने वाला है, तो देखते रहिए कितना अच्छा बनेगा। बहुत आसानी से बन जाता है, जिसको बनाना नहीं आता वो भी बना सकता है इस डोरमेट को, तो इसलिए मैं ये डोरमेट आज बता रही हूँ जिससे सभी को बनाना आ जाए। इस फंदे को ऐसे ही आगे की तरफ ले लेंगे और ब्लैक को ब्लैक से और येलो को येलो से पूरी रो बनाएंगे। देखिए सॉरी, हमें इसमें ब्लैक नहीं येलो इस्तेमाल करना था, गलती से मैंने इसको बना दिया। ये देखिए हमने इतना डोरमेट बना लिया है, यहाँ से जिस तरह से यहाँ से बढ़ाया था उसी तरह से यहाँ से एक एक करके हमने ऊपर की साइड को घटा दिया है। तो ये देखिए इतना डोरमेट हमारा बन गया है। अब यहाँ से क्या करेंगे, मेरा लास्ट वाला है तो अब यहाँ से हम इन फंदों को ऐसे ही बना लेंगे। ये देखिए इन फंदों को बना लिया। तो अगर आपको चैनल हमारा अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, एक सब्सक्राइब तो बनता है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो ये देखिए लास्ट वाला फंदा हम इसको एक येलो से बनाएंगे और ये वाला ब्लैक से। अब सारे फंदों को ब्लैक से ही बनाएंगे। ये हम सब ब्लैक को ब्लैक से बनाएंगे। ये देखें सभी फंदों को ब्लैक से बनाएंगे। अब यहाँ पे आके ये वाला एक फंदा, अब इस पूरी सिलाई को हम ब्लैक से ही बनाएंगे, एक सिलाई, उसके बाद येलो एक सिलाई बनाएंगे और फिर इस तरह से हम तीन सिलाइयों को बनाएंगे, तीन रो ऐसे ही ब्लैक से, और ये हमारा डोरमेट बन के कम्प्लीट हो जाएगा। तो इतना बनाते हैं फिर दिखाते हैं। ये देखिए हमने ये डोरमेट बना लिया है जो बहुत ही प्यारा लग रहा है, कितना प्यारा सा डोरमेट बनके चौकोर शेप में तैयार हो गया है। तो अगर आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो फ्रेंड्स इसी के साथ बाय बाय। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है, ये देखिए।